हेलो फ्रेंड्स, मिराज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल सी सब्जी आलू मेथी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए देर न करते हुए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। मेथी में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मैंने लिया है 1/2 kg मेथी, इसको हमने डंडी सहित लिया है पत्तियों के साथ, और 250 ग्राम आलू लिया है, कटी हुई धनिया, कटे हुए अदरक, 2 टमाटर, 2 प्याज, ये हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये आलू को धुल लेंगे जिससे कि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह हो सब निकल जाए अच्छी तरह से। इसे हमें धुलना है 2 से 3 बार क्योंकि हम इसे छिलके सहित बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई में तेल लेकर के इसे गर्म कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल है और लाल मिर्च और प्याज को डाल के इस तरह से हम भून लेंगे। हल्का सा ये ब्राउनिश हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। मेथी जिनको शुगर है उनके लिए तो मेडिसिन का काम करती है। मेथी जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अब हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए आलू और इसे कुक होने देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट इसे ढककर हम कुक होने देंगे। अब बीच बीच में से हम चलाते भी रहेंगे। मेथी आलू तो बहुत ही सिंपल है पर टेस्टी बहुत बनेगी। ये इस तरह से बनाएं, आप इसे फॉलो करें। और अब हम डाल देंगे ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी, लगभग 1/4 चम्मच, और कटे हुए अदरक को अब हम डालेंगे। हमने इसे पहले तेल में नहीं डाला था अदरक और लहसुन को, इस तरह से डालेंगे तो उसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही अलग से आएगा। आप इस तरह से बना कर देखें, आप खुद महसूस करेंगे कि ये अलग सा टेस्ट है। तो अब हम डाल देंगे इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अब हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर से हम इसे ढक देंगे और ये देखिए 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि आलू हमारा लगभग 80% तक ये कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम मेथी के पत्तियों को डालेंगे। बिल्कुल भी मेथी आपको कड़वी नहीं लगेगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। तो अब इसमें हम धनिया भी डाल देंगे। सारे मसालों को एक बार मिक्स करने के बाद फिर से हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगभग 7 से 8 मिनट कुक होने देंगे। 7 से 8 मिनट कुक होने के बाद हम इसमें डालेंगे पूरा परफेक्ट, ये तैयार हो चुका है। अब हम टमाटर डालेंगे तो अब इसे मिक्स कर देंगे। टमाटर डालने से जो मेथी की थोड़ी बहुत कड़वाहट और होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिए, आप कहेंगे क्या अमेजिंग सा ये टेस्ट आया है। तो ये पूरी तरह से कुक हो गया है, आप इसे चाहे तो चपाती के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।